गुड मॉर्निंग गाइस, आज सुबह हम लोग जा रहे हैं अगोडा फूड एंड अगोडा लाइट हाउस जो कि कैंडलम में है। एक्चुअली हम लोग कैलंगुट बीच के साइड में हैं, सो यहां से बाइक में हम लोगों को लगेगा 15 से 20 मिनट और यहां से मेरा होटल से डिस्टेंस पड़ेगा करीब 8 से 10 किलोमीटर। गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं अगोडा लाइट हाउस पे। इसको आप लोग DGPS भी स्टेशन भी बोल सकते हैं। ये लाइट हाउस जो है ये 1864 में बना हुआ था, ठीक है। तो इसमें इसका जो है एंट्री फीस लगता है 20 रुपया और ये हम लोग दो जन 40 रुपये का टिकट लिए। देखिए अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर गार्डन है, बहुत ही सुंदर गार्डन है और सामने जो आप वॉल देख रहे हैं जो दीवार देख रहे हैं इसके पीछे ही आपका समुंदर है। तो वो समुंदर अभी हम लोग सीधा निकल रहे हैं। यहाँ पे देखिए बाएं दाहिने जो आप क्वार्टर देख रहे हैं ये सब स्टाफ क्वार्टर है, तो हम लोग ऊपर अभी चढ़ेंगे। आगे आप लोग देखिए, साथ में बनी रहिए, देखिए और ऊपर में देखिए। अभी यहाँ पे सामने बहुत सारा सीढ़ी आएगा, करीब करीब 200 सीढ़ी है। ये 200 सीढ़ी चढ़ के हम लोग ऊपर जाना पड़ेगा, फिर ऊपर जाके हम लोग आप लोगों को जो है व्यू दिखाते हैं आगे। ये 200 सीढ़ी चढ़ने के बाद जो छत आया, ये छत के बाद अभी क्या आएगा कि इसमें आपको लोहे का सीढ़ी बना हुआ है और ऊपर एक छोटा सा वेंटिलेशन का जगह है, उसी सीढ़ी से आपको चढ़ के जाना होगा ऊपर में, जाके हम लोग ऊपर इसको चढ़ सकते हैं। तो हम उसी से अभी चढ़ेंगे। और एक चीज़ आप लोग ये भी बताना है कि देखिए यहाँ पे सोलर का पूरा पैनल लगा हुआ, सेटअप लगा हुआ है, मतलब ये कि सनलाइट को प्रॉपरली इसको यूज़ किया गया है, लाइट को एनर्जी में कन्वर्ट भी किया गया है, मतलब सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको काम में लगाया गया है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और बाएं तरफ जो देख रहे हैं आप सामने, ये है अगोडा फोर्ट। तो अगोडा फोर्ट में हम लोग नहीं गए, हम लोग दूर से आप लोगों को दिखा रहे हैं क्योंकि अंदर यहाँ पे ड्रोन उड़ाना मना है, तो हम लोग इस यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा पाए। तो ये आप लोग देखिए, और सामने जो आप लोग रेडर देख पा रहे हैं, ये रेडर जो है समुद्र में जहाज़ जो है जहाज के लिए लगा हुआ है, शायद मेरे को पूरा पता नहीं है। दूर में देख पा रहे हैं ये बीच, इतना लंबा सा बीच है पूरा, यही गोवा का शान है, आन है। यहाँ पे देखिए पूरा सोलर पैनल लगा हुआ है, पूरा सोलर पैनल का पूरा है, जमावड़ा है पूरा। दिस इज़ अ व्यू पॉइंट। ये जो हम लोग लाइट हाउस में गए हुए थे उससे थोड़ा सा गेट के सामने ही से उल्टा साइड से एक रोड निकला हुआ है, छोटा सा गली जैसा, तो उसमें पैदल आ सकता है, गाड़ी नहीं आ पाएगा वहाँ पे। वहाँ से हम लोग आए हैं, आके फिर हम लोग जो है एक व्यू पॉइंट पे आए हैं। देखिए व्यू पॉइंट, हम लोग वो व्यू पॉइंट छोड़ के फिर अंदर ही अंदर दूसरे एक व्यू पॉइंट पे आ रहे हैं। यहाँ पे व्यू पॉइंट में जाके देखते हैं क्या मिलता है नहीं मिलता है। ये प्रोग्राम में हैं और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स यहाँ पे आए हुए हैं टू मेक इट डन। वो लोग भी अपना फ़ोटो ले रहे हैं, हम लोग भी अपना ले रहे हैं, एवरीबडी इज डूइंग देयर वर्क, सो नो इशू। अभी हम लोग एक नया व्यू पॉइंट पे आए हैं। व्यू हर जगह, समुंदर का व्यू हर जगह, व्यू हर जगह पे एक व्यू ही है। एवरीथिंग इज़ अ व्यू, हैव ए व्यू। तो यहाँ से फिर आगे चलना पड़ेगा लगता है। चलिए आगे फिर चलेंगे, वेट कीजिए। देखिए आप लोगों को दिखाते हैं, ये एक्सक्लूसिव व्यू है एक्चुअली। अभी दोपहर को 2 बजा हुआ है, तो अभी हम लोग आए हैं एक रेस्टोरेंट में, उसका नाम है हैदराबादी बिरयानी। ये इसका लोकेशन नहीं बता सकता, हम लोग होटल के वहाँ तो हो गया सामने ही है। ये दुकान में बिरयानी मिलता है, तो हम लोग मटन बिरयानी का ऑर्डर दिया, चिकन बिरयानी 120 रुपये, मटन बिरयानी 170 रुपये का मिलता है। हम लोग 2 मटन बिरयानी का ऑर्डर दिए हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स दिए हैं। देखिए ऐसा देखने में ऐसा है, यू कैन सी। तो हम लोग भी बहुत भूखे हैं, रोज़ की तरह ऐसे ही भूखे हैं, जैसे भूखे होते हैं वैसे ही भूखे हैं। साथ में रायता भी दिया हुआ है, देखिए रायता दिया हुआ है। तो हम लोग ऐसे भूखे जैसे भूखे होते हैं डेली, वैसे ही भूखे हैं, सुबह से कुछ खाए नहीं
अगोडा फूट गए थे, ड्रोन वहाँ में उड़ाए लेकिन ठीक प्रॉपरली उसका व्यू नहीं आया ड्यू टू सन। ऐसे पोजीशन में है कि फोटो जो है वो जल जा रहा है, तो फोटो दिखा नहीं पाए, दिखाएंगे अगर होगा तो दिखाएंगे। तो अभी हम लोग फिर जाएंगे होटल में थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर हम निकलेंगे, थोड़ा धूप कम होने पर ही ड्रोन उड़ा पाएंगे, तो हम लोग 3-4 दिन बजे और निकलेंगे। रहिए 4 लोगों का हुआ 460 रुपया, 2 मटन फुल बिरयानी, 1 चिकन हाफ बिरयानी और साथ में 2 कोल्ड ड्रिंक्स, रायता साथ में फ्री में दिया था 3, तो वो सब मिला के हम लोगों का हुआ है 460 रुपया, जो हम लोग गूगल पे से पहले कमेंट कर लिया। यहाँ पे ये सुविधा है कि गूगल से भी आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, ये इजीएस्ट है, बाकी जगह पर ये कन्वीनियंट कम होता है, यहाँ पर वो कन्वीनियंस ही ज़्यादा है। तो अभी हम लोग शाम को अभी जाएंगे हम लोग होटल, बहुत धूप है, बहुत तेज़ धूप है, बहुत गर्मी है, तो होटल में जाकर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे 3-4 बजे निकलेंगे हम लोग लोकल साइड सीन के लिए निकलेंगे। फिर तो मे बी टुडे इज़ आवर लास्ट डे इन गोवा, कल हम लोग निकलेंगे गोवा, गोवा से मुंबई। गाइज अभी हम लोग आए हैं टीटोस देन पे, ये कैलंगुएट में है। इसको टीटोस देन इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे एक्चुअली जो इसका फाउंडर, इसका नाम है टीटो हेनरी डिसूजा, ये 1971 में इसका इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब ये जगह बना था। तो हम लोग अभी टीटोस हेनरी जो ये है यहाँ पे टीटोस देन में आए हुए हैं। यहाँ पे ये फेमस है नाइट क्लब्स और बार के लिए, यहाँ पे फेमस है, यहाँ पे बहुत सारा फेमस, ये गोवा में जितना बढ़िया बढ़िया जगह है उसमें ये टीटोस देन सबसे बढ़िया जगह में आता है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलर जगह में आता है ये आपका। ये एक्चुअली ये इसका ये यहाँ पे बार और रेस्टोरेंट बहुत सारा है, और ये एकदम बाघा बीच के बाजू में है, एकदम एकदम सामने, ये इसी रोड से हम लोग सीधा जाएंगे तो जाके हम लोग बाघा बीच पर पहुँच जाएंगे। गाइज अभी हम लोग आए हैं टिबेटियन हैंडीक्राफ्ट पे, ये एक्चुअली बहुत पॉपुलर जगह है यहाँ का, पॉपुलर जगह मतलब ये कैलंगुएट में आपका जो है एक मार्केट है जो हम लोग होटल से बाघा बीच के जाने के बीच में पड़ता है। तो हम लोग टीटोस लेन देख के जब वापस आ रहे थे तो हम लोग को दाहिनी तरफ में ये जगह पड़ा। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर लेडीज़ आइटम बहुत सारा मिलता है, बहुत बढ़िया मिलता है, दाम ज़्यादा है इसको बोला हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बहुत बढ़िया मिलता है, बहुत सारा सामान आप लोगों को डिफरेंट शेड ऑफ मिलेगा आपको। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए कितना सुंदर सुंदर पीतल के मूर्ति है यहाँ पे, हर चीज़ आपको मिल जाएगा, शोकेस वाला आइटम जो शो वाला शो पीस होगा वैसे मिल जाएगा, लेडीज़ वाला ऑर्नामेंट्स जो है वो मिल जाएगा, बोलता है कि सिल्वर है, ये है ब्रोंज है, बहुत सारा कुछ बोलता है, लेकिन इसके बारे में हम कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि इसके विषय में हमको कुछ ज़्यादा पता है नहीं, इसलिए ज़्यादा कुछ हम बोलेंगे नहीं। देखिए ये रिंग भी देखिए मेरी बेटी दिखा रही है, हम लोग यहाँ से कुछ परचेज नहीं किए, हम लोग देखे बस फोटो लिए और यहाँ से फिर हम लोग निकलने के तैयारी में थे। तो जस्ट इसी का आप लोगों को एक ग्लिम्प्स दिखा रहे हैं ताकि हम लोग आज हम लोगों का लास्ट डे है, तो यही लास्ट में बोलेंगे कि हम लोग का पूरा सीरीज आप लोग देख लिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर लगे कि सब्सक्राइब करने जैसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा साथ में, ताकि चैनल आगे बढ़ पाए, क्योंकि अभी 2022 में देखने वाला मिल जाए लेकिन सब्सक्राइब वाला मिलना मुश्किल है, तो सिर्फ रिक्वेस्ट यू टू हैव अ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम लोगों को भी लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हम लोगों को एंथू मिले। सो टिल टुडे आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं, साथ में बने रहिएगा, नेक्स्ट हम लोगों का गोवा टू मुंबई का जो सीरीज आएगा वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड गुड नाइट।